प्रदेश में कोरोना रोगियों को प्रदेश सरकार द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। उन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं भी दी जा रही हैं, यहां तक कि दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वहीं कुछ स्थानों पर दवाइयों की कुछ कमी देखी जा रही थी। इस कमी को पूरा करने के लिए निजी संस्थाएं अब सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। सोलन में भी योगदास सत्संग सोसाइटी इस कमी को पूरा करने के लिए आगे आई है। उन्होंने जिला स्वास्थ्य अधिकारी मुक्ता रस्तोगी से मुलाकात कर उन्हें कोरोना रोगियों को दी जाने वाली दवाइयों की खेप सौंपी। जिला स्वास्थ्य अधिकारी मुक्ता रस्तोगी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज कार्यालय में योगदास सत्संग सोसाइटी के पदाधिकारी पहुंचे और उन्होंने कोरोना रोगियों के लिए दवाइयां प्रदान की हैं। मैं बड़े हर्ष के साथ सूचित करना चाहूंगी कि आज हमारे यहाँ पर ये योगदास सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से हमको कम से कम 400 पेशेंट्स के लिए जो है वो मेडिसिन की किट प्राप्त हुई है यहाँ पर। इसके लिए मैं इस सोसाइटी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और मैं और लोगों से अपील करती हूँ कि वो इसी तरह बढ़ चढ़ कर इस काम में अपनी भागीदारी बढ़ाएं, ताकि हम अपने पेशेंटों को काफ़ी हद तक जो है वो अच्छी तरह उन तक मेडिसिन की किट से पहुँचने में हमें कहीं पर भी कोई असुविधा ना हो। ये कोरोना के पेशेंटों के लिए है, जो कोरोना पॉजिटिव आते हैं पेशेंट, उनके लिए डॉक्सीसाइक्लिन जो सबसे ज़्यादा आवश्यक मेडिसिन है वो हमें प्राप्त हुई है इनके द्वारा।